हेलो एवरीवन, आपके लिए मैं बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। स्पेशली फॉर क्लास 11, सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट आया है। तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, राइट? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट आया है, इसमें तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इन्होंने कवर किया हुआ है, राइट? सो लेट्स आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर क्लास 11 एडमिशंस फॉर अकेडमिक ईयर 2021-22। तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो है, सबसे पहला पॉइंट है कि कोई स्ट्रीम आपके लिए फोर्सफुली सिलेक्ट करने को नहीं कहेंगे स्कूल। मतलब बोर्ड को न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसको फॉलो करते हुए स्कूल्स ने कहा है कि अब आपके लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करने की जरूरत नहीं है, दैट इज आर्ट, कॉमर्स, साइंस या मेडिकल, कोई भी। आपको जो चाहे सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, जैसे कि आप मैथमेटिक्स चूज कर सकते हो, साथ साथ में ज्योग्राफी भी चूज कर सकते हो। मतलब जो आपकी पसंद के सब्जेक्ट्स है वो आप चूज कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज जो सीबीएसई की तरफ से आया है कि देखो, जो पहले क्लास 10th में बेसिक मैथ्स लेते थे, राइट, उनके लिए 11th 12th में मैथ्स अलाउ नहीं किया जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स बेसिक इन क्लास 10th आर अलाउड to continue with the subject in class 11th, मतलब 11वीं में भी वो continue कर सकते हो। एक बहुत अच्छी खबर। और तीसरी most important news जो आपके लिए important है, वो ये है कि अगर कोई बच्चा CBSE board examination 2021 को clear नहीं कर पाता, जिसका result कब आने वाला है, जून 20 को उसका result आने वाला है, और अगर वो बच्चा clear नहीं कर पाता, फिर भी वो चाहे तो क्लास 11th को स्टार्ट कर सकता है टिल द कंपार्टमेंट रिजल्ट कम्स। मतलब जब तक कंपार्टमेंट की टेस्ट होगी और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा, तब तक वो 11th की पढ़ाई शुरू कर सकता है। द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन हाउएवर वुड आल्सो बी कंडक्टेड बाय स्कूल, एंड उसमें क्या कहा गया कि स्टूडेंट्स हु फेल्स टू क्वालिफाई थस डिक्लेयर्ड अ परमिटेड, उन्हें परमिट किया है टू कंटिन्यू विद देयर क्लास 11 पेंडिंग अ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन जो आपकी स्कूल्स कंडक्ट कराएगी, चाहे उन्हें ऑनलाइन करवाना है या ऑफलाइन, वो स्कूल का डिस्क्रिप्शन है। पेपर दिया जाएगा स्कूल को सीबीएसई के द्वारा, और उसका रिजल्ट तक उनको वेट करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम दे सकते हैं। इसी के साथ जो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपके लिए मैंने बता दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।